डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो लेक्चर यू विल स्टडी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल साल्ट ब्रिज फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज नॉस्ट इक्वेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉस्ट इक्वेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सच डिवाइस इन विच प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ energy released during redox reaction in this way an electrochemical cell is a device in which chemical energy of redox reaction is converted into electrical energy the redox reaction is carried out in an indirect manner and the decrease in free energy during chemical reaction appear as electrical energy in the इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज डैनियल सेल और गैलवेनिक सेल इन विच जिंक रॉड इज वर्क एज आई नोट विच इज प्लेस्ड इन द सोल्यूशन ऑफ जिंक आई एंड एंड दल्युशन इन विच आई नोट दैट ए जिंक प्लेस्ड इन दैफ्ट कॉन्टेनर वेयर एज cathode electrode that is copper placed in copper ion that is in the solution of copper sulfate that is in right side both vessel containing electrodes that is left vessel containing anode electrode and right vessel containing cathode electrode connected with voltmeter electrolytic solution joined by a device called as साल्ट ब्रिज साल्ट ब्रिज यू इन्वर्टेड यू शेप स्ट्रक्चर कॉन्टेनिंग सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ आइदर पोटेशियम को पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड इन जिलेटिन और अगर अगर जेली इन द अरेंजमेंट ऑफ यू ट्यूब इज कॉल्ड साल्ट ब्रिज सो इन द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल the best example is daniel cell or galvanic cell or voltaic cell in this one left side vessel containing anode electrode here anode is zinc metal and right side vessel containing cathode electrode that is here copper work as cathode anode and cathode are connected with voltmeter so

पोटेशियम नाइट्रेट, आर अमोनियम क्लोराइड दैट वर्क एज दट वर्क एज नॉन रिएक्टिव दैट गिव द नॉन रिएक्टिव आयन फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोराइड गिव पोटेशियम कैटाइन एंड क्लोराइड एन एन अमोनियम क्लोराइड गिव अमोनियम कैटाइन क्लोराइड एन एन पोटेशियम नाइट्रेट गिव पोटेशियम कैटाइन नाइट्रेट एन आन दीज आयन्स ओनली मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी बट नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आई नोट दैट इज जिंक ऑन दैट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस बिकॉज जिंक रॉड दैट इज जिंक इलेक्ट्रोड लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज here is on cathode copper ion migrate from solution on cathode the migrated copper cation take electron and get reduced therefore on cathode reduction take place so the cell reaction can be split into two part anode half reaction and cathode half reaction anode half reaction इन एन ओड हाफ रिएक्शन जिंक इलेक्ट्रोन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्ट इन इट्स आए दैट इज जिंक आईन देअर फोर जिंक इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इन टू जिंक आय एंड इट्स टू इलेक्ट्रॉन सो हियर डिक्रीज इन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन रिटेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इज जीरोज इन द प्रोडक्ट प्लस टू थर फोर दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन सो ऑलवेज ऑन आई एन ओड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस नउ एट कैथोड कापर मेटल वर्क एज कैथोड ऑन कापर द कापर आयन फ्रॉम इलेक्ट्राइटिक सोल्यूशन दट इज फ्रॉम कापर सल्फेट सोल्यूशन गेट माइग्रेट फेर इट टेक टू इलेक्ट्रॉन सो हियर कापर कैटा इन द रिएक्ट एंड कंटेनिंग ऑक्सीन नंबर प्लस टू एंड इन प्रोडक्ट ऑक्सीन नंबर जीरो देअर फॉर दिस हाफ रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन सो एट कैथोड रिडक्शन टेक प्लेस सो इफ यू टेक ओवरऑल रिएक्शन इन दैट सिचुएशन वी मे राइट जिंक सॉलिड प्लस कापर कैटाइन एक्वस गिवंक एक्वस इन टर्म ऑफ कैटाइन एंड कापर सॉलिड दैट इज रेडियोस्ड पार्ट ऑफ कापर द अबब रिएक्शन अकर एट कापर इलेक्ट्रोन इन विच कापर कैटायन टेक टू इलेक्ट्राइन एंड गेट रेडियो इलेक्ट्रोनेशन टेक प्लेस विच इज A reduction process, and that is why act as cathode. So here copper work as cathode. As a result of two half-cell reactions, zinc metal dissolve in anode solution to form zinc ions, while copper ions are discharged at cathode by accepting two electrons and are deposited at cathode. The electrical Neutrality is maintained in two half-cell using salt bridge. Since electrons are released at anode, it acquire negative polarity and cathode become positive because it needs electron for the reduction of positive ions. This observation is against the usual electrolytic cell. टूब कंटेनिंग सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ आईदर पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम नाइट्रेड आरोमोनियम क्लोराइड इंजिलेटिन आर अगर अगर द इलेक्ट्रोलाइट दट आर ऑफन यूज इन सॉल्ट ब्रिज आर कॉल्ड इन इलेक्ट्रोलाइट विच आर सपोज आर सपोज्ड not to interact chemically with either of the solution present in the anodic or cathodic chamber not to interfere with overall cell reaction and only those electrolytes can be used in a salt bridge in which mobility of ions is almost the same फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट एक्सेट्रा द मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज आर इट एलाउ ओनली फ्लो ऑफ आय थ्रू इट केयर फोर द सर्किट इज कम्प्लीटेड मीन्स सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट इंटरनल सर्किट इंटरनल सर्किट मीन्स द ज्वाइनिंग ऑफ आइन वुड है सोलूशन प्रजेंट इन एनोड हाफ सेल विथ सोल्युशन प्रजेंट इन कैथोड हाफ सेल सो दिस इज कंप्लीसन ऑफ इंटरनल सर्किट इट आल्सो मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मीन्स नंबर ऑफ आयन्स इन कैथोड हाफ सेल एंड एनोड हाफ सेल रिमेन इक्वल टू इच अदर दैट इज द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेल डायग्राम और सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टेकिंग टू वर्टिकल पैरल लाइन दैट इंडिकेट टू वर्टिकल पैरल लाइन दैट इंडिकेट सॉल्ट ब्रिज लेफ्ट साइड टू द सॉल्ट ब्रिज वी राइट एनोड नोड ऑफ रिएक्शन

आयनिक सोल्यूशन आयनोड हाफ सेल इज रिटेन ऑन लेफ्ट लेफ्टेयर एज कैथोड हाफ सेल ऑन राइट हैंड साइड अ सिंगल वर्टिकल लाइन सेपरेट द मेटल फ्रॉम एक्वे सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन आय एज वी डिस्क्राइब्ड अर्लियर दैट हियर द वर्टिकल लाइन बिटवीन जिंक सॉलिड वर्टिकल लाइन बिटवीन जिंक सॉल्ट एंड जिंक कैट आयन हियर वर्टिकल लाइन बिटवीन कापर आयन एंड वर्टिकल लाइन बिटवीन कापर आयन, एंड कापर एलिमेंट सो द वर्टिकल लाइन बिटवीन द आयन एंड इलेक्ट्रोड इंडिकेट द सेपरेशन ऑफ दिज आयन एंड इलेक्ट्रोड वेयर एज डबल वर्टिकल लाइन इंडिकेट द सॉल्ट ब्रिज लेफ्ट साइड द सॉल्ट ब्रिज आयोड ऑफ रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन एंड राइट साइड टू द सोल्ट ब्रिज कैथोड हाफ रिएक्शन दट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज रिटेन द मोलर कंसलटेशन सी इज प्लेस्ड इन ब्रेकेट आफ्टर द फॉर्मुला ऑफ क्रिस्पिंग आल्यू ऑफ ई एम एफ ऑफ द सेल इज रिटेन ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द सेल फॉर एग्जाम्पल Here, EMF. It is written extremely right side to the cell representation. If an inert electrode like platinum is involved in the construction of cell, that inert electrode may be written along with the working electrode in bracket. For example.

ऑक्सीडाइड जो जिंकट है एंड इन कैथोड ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन आयन गेट रिड्यूस इन हाइड्रोजन मालिक्यूल नाउ रिवर्सिबिलिटी ऑफ डेनियल सेल सो हियर इन द केस ऑफ डेनियल सेल इस रिवर्सिबिलिटी रिवर्सिबिलिटी टेकेन ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल सोन इन मीटर। इफ पोटेंशियल इन बोल्ट मीटर Is less than 1.1 volt that indicate flow of electron take place from zinc electrode to copper electrode that is from anode to cathode but current flow from in opposite direction that is from copper to zinc always current flow just opposite direction to the flow of electron when external voltage applied is less than 1.1 volt and is increased slowly it observed that the reaction continue, continue to the take place till external voltage attain the value 1.1 volt means the value of potential in voltmeter reach to 1.1 volt then cell reaction get

then no reaction but if the value of voltage in voltmeter is more than 1.1 1 .1 volt in that condition the cell reaction is found to be reverse means electron in such situation means when the voltage more than 1.1 volt in that situation electron migrate from कैथोड हाफ सेल टू द एनोड हाफ सेल वेयर एज इलेक्ट्रिसिटी पास फ्रॉम एनोड टू कैथोड दैट इज जिंक टू जिंक इलेक्ट्रोड टू द कापर इलेक्ट्रोड सो दिस इज द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द सेल रिएक्शन सो इन शार्ट वी कैन से दैट इफ पोटेंशियल वैल्यू इन द केस ऑफ डेनियल सेल इन विच कापर एंड जिंक जिंक कापर कपल ट मीस जिंक एज ए नोट एंड का वोल्टेज इज लेस देन पॉइंटिंक टू कापर बट ई वोल्टेज मोर देन वन पॉइंट वन वोल्ट एट दान फ्लो फ्रॉम कापर टू दिंक सो रिमेंबर दिस पॉइंट नाउ अ कामली यूज्ड फॉर्म ऑफ साल्ट ब्रिज यूट्यूब कॉन्टेनिंग सेमिंग सॉलिड पेस्ट ऑफ आइदर पोटेशियम क्लोलाइड पोटेशियम यूनाइटेड दिस ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड सेल डायग्राम आल्सो डिस्क्राइब्ड रिवर्सिबिलिटी आल्सो डिस्क्राइब्ड नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सो फ्रॉम द definition it is clear that as the tendency of a metal when it placed in contact with own ions to either lose or gain electron and in turn become positively or negatively charged it means that when the particular electrode dipped in its electrolytic solution and if it acquired plus charge then this potential is called as oxidation potential and if the electrode when dipped in its electrolytic solution acquire negative charge so corresponding electrode potential is called as reduction potential or reduction electrode potential for example here a metal solid loses its electron and electron and get converted into M which containing N plus charge on it. So, this process of oxidation. But if we write the reverse reaction, that is M which containing N plus charge that is aqueous in condition, that is ionic in condition and take N electron then get reduced. So, here the potential will be called as reduction potential and here the potential will be called as oxidation. पोटेंशियल नौ कैरेक्टरिस्टिक्स बूथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल इन मैग्निट्यूड बट अपोजिट इन साइन फॉर एग्जाम्पल वेन जींक गेट ऑक्सीडाइज मीन्स वेन जींक गेट ऑक्सीडाइज देन It containing its oxidation potential minus zero point seven six. Whereas when it get reduced means Zn two plus get two electron and get convert into zinc. At that time the value is found to be same, but sign is found to be positive. So its reduction potential. ल बी प्लस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स बोल्ट सेकेंड पॉइंट द रिडक्शन पोटेंशियल सोन शूज एंड इंक्रीज विथ इंक्रीज इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन एंड डिक्रीज विथ डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस एंड सोलूशन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज नॉट अ थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी इट इज नॉट अ थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर नाट एडिटिव नौ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ काइंड ऑफ रेफरेन्स हाफ सेल मीन्स रेफरेन्स हाफ सेल इज सच सेल विच कॉन्सिस्ट इट्स पोटेंशियल वैल्यू इक्वल टू जीरो वोल्ट एंड मे यूज आइज कैथोड और एनोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इंप्लीमेंट बेसिकली एट दैट टाइम व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट आइदर एनोड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड एनोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सो वैन वी वॉन्ट टू अचीव आई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल

द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड विच में भी ए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कॉन्सिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक सो दिस इज हाइड्रोज़ दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड

थोड सो वेन इट वर्क एच आई नोट एट द टाइम इन दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट इंटू हाइड्रोजन आयन मीन्स एच टू गैट कन्वर्ट इंटू टू एच प्लस आय लूज टू इलेक्ट्रॉन इट इंडिकेट ऑक्सीडेशन एंड वी नो दैट द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट आई नोट नाउ

रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट इज सेम एज वी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड ऑफ द पर्टिकुलर सेल हियर रिप्रेजेंटेशन दिस वर्टिकल लाइन इंडिकेट इलेक्ट्रोड विथ इट्स इलेक्ट्रोड इंडिक सेपरेट इलेक्ट्रोड विथ इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सोलूशन सो हियर प्लेटिनम इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेटनम वर्क एज इनर्ट इलेक्ट्रोड सो इफ द इलेक्ट्रोड वर्किंग एज इनेट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड एट दी शो दिस ब्रेकेट मेन वर्क इन दिसंटेशन इज हियर हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज इन टू हाइड्रोजन आयन हियर सी इज द कंसंट्रेशन दिटेन इन स्मॉल ब्रेकेट नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सो इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्राटिक सोलूशन टेकन एज वन मोलर टेम्परेचर टू नाइंटी एंड प्रेसर वन बार दिएयर इन दिस कंडीशन The obtained electrode potential is called as standard electrode potential and represented by E naught. Now cell potential or EMF of a cell. Cell potential can be defined as the difference between cathode electrode potential and anode electrode potential. इज नोन एज सेल पोटेंशियल सो वी नो दैट एट कैथोड रिडक्शन टेक प्लेस एंड एट आई नोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन दिस वे सेल पोटेंशियल दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन मीन्स रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस ई ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंस कैथोड प्लेस्ड सो वी मे राइट दिस वन एज ई कैथोड माइनस ई आई नोड सिंस कैथोड इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल राइट हैंड साइड एंड आई नोट लेफ्टी मे आल्सो राइट सेल पोटेंशियल टूर माइनस ई एल मीन्स राइट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस लेफ्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाउ इफ no current is drawn from the cell at that time cell potential is also known as emf electromotive force that is it is known as electromotive force of the cell if no current is drawn from the cell now uh, one example with respect to the electrochemical cell in that zinc work as anode एंड कापर वर्क एज कैथोड सो ई नॉट सेल मीन्स स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल कैथो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आइनोड सो हियर in the case of cathode we see in the reduction and in the case of anode also we see in the reduction so it is ipsc norm that we take the electrode potential always in term of reduction therefore here e naught cell that is standard cell potential is equal to standard electrode potential of cathode minus standard electrode potential of anode since for copper Standard electrode potential is found to be 0.34 volt when it works as cathode, and for zinc, when it works as anode, its reduction potential is found to be minus 0.76 volt. So, if we implement the formula and keep its value, then we get the standard cell potential of chemical cell. In which zinc work as anode and copper work as cathode is found to be 1.1 volt. Now, Nernst equation. It is the most important point, always numerical question asked in the examination on Nernst equation. So, in the case of Nernst equation, it relate the electrode potential with concentration of electrolytic solution. For an electrode, m containing n plus charge that is the ion which receive an electron and get reduced into n solid so this reaction is reduction half reaction for that if you want to write the Nernst equation then we may write this one electrode potential reduction इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट एम कंटेनिंग एन प्लस आर गेट कन्वर्टेड टू एम सो दिस E नॉट डेट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर टी अपॉन एन एफ आर इज द कांसटेंट कॉल्ड एज गैस कॉन्स्टेंट टी इज द टेम्परेचर आर नीज द सेलियन टेक प्लेस एफ इज द फैराडे कांस्टेंट फिज वैल्यूज फाउंड टू बी नाइंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड For one mole electron and is the number of electron transfer during the process of oxidation or reduction. Always the number of electron transfer uh, lose in the case of oxidation is found to be equal to electron gain in the case of reduction. So here electrode potential is equal to standard electrode potential minus RT upon NF. Natural log concentration of M upon concentration of M containing N plus charge. So, here concentration of M means concentration of electrode in solid state upon concentration of M containing N plus charge. So, this is the concentration of electrolytic solution or ions in which electrode is found to be dipped. In the case of solid state, the concentration is found to be unit that is 1. Therefore, finally we may write cell potential electrode potential is equal to standard electrode potential minus 2.303 rt upon nf so here when we convert natural log into log we multiply by 2.303 log 1 upon m containing n plus charge so this equation is the equation to find आउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हियर एम कंटेनी एन प्लस चार्ज गेट कन्वर्टेड टू एम इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर यू टेक द वी टेक द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द टर्म ऑफ रिडक्शन इ नॉट एम कंटेनी एन प्लस चार्ज गेट कन्वर्टेड टू एम इज़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर इज़ द गैस कॉन्स्टेंट

सो नाइंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड गुलाम इट इज आल्सो कॉल्ड एज वन आटे दिस यू ऑलरेडी नो बाय द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस नौ इफ वी सब द वैल्यू ऑफ आर दरी गैस reaction टी टेम्परेचर at 25 रियक्शन टेक प्लेस एट Kelvin. एफ फायर कॉन्सटेंट विच वैल्यू इज टेकन एज 96,500 सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड गुलाम देन वेन वी साल टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपन एफ वी गेट द वैल्यू गेट द वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन हियर वी नॉट द टेक द वैल्यू ऑफ एन सो इट इज एन इज नॉट द कास्टेंट वैल्यू इट मे बी वन टू आर थ्री इलेक्ट्रॉन इट डिपेंड अपॉन द सेल रिएक्शन देयर फोर in brief we may write the cell potential is equal to standard we may write the electrode potential is equal to standard electrode potential plus 0 0.0591 upon n log concentration of ion means m containing n plus charge here we taking the term plus because the concentration of hydrogen the concentration of ion we taking in the denominator, therefore we take in the value with plus. So we may uh, also implement this formula on the different kind of chemical reaction. Therefore, the reduction potential increase with increase in concentration of ion for a general electrochemical cell. We may take the electrochemical cell here. In which A and B, capital A, capital B, work as reactant which get converted into C and D. Small a, small b are the moles of reactant A and B respectively. Small c, small d are the moles of product C and D respectively.